तो दोस्तों वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है तो प्रकृति और इंसानों का जो साथ था वो एक तरह से टूटता चला गया हमारे साथ जो नेचर का बॉन्ड था एक दूसरे का जो कनेक्शन था वो दिन पर दिन कम होता चला गया यही कारण है कि लाखों बीमारियां और हमारे प्रॉब्लम जीवन में बढ़ते चले गए इंसान की आयु घटते चला गया इसके पीछे जो रीज़न रहा कि हम नेचुरल चीज़ों को खाना छोड़ दिए और जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल बढ़ा दिया तो यही सोच करके कि इसमें एक भविष्य में 2050 तक सभी लोग बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं जो हमारे ज़्यादा खाद पदार्थ युक्त खाना खाने से ज़्यादा केमिकल खाने से ज़्यादा ड्रग्स खाने से कोई भी दवाई या मेडिसिन के इस्तेमाल करने से तो नेचुरल ढंग से हम इनका कैसे ख़त्म करें इन सब चीज़ों को कैसे कम करें और हमारा सेहत हमारा आयु दोनों लंबा हो जाए इस सोच के साथ हमने फार्मिंग के सेक्टर में कदम रखा था तो कब हमारा तुमसे रिश्ता दूर हुआ है कब हमारा तुमसे रिश्ता कमजोर हुआ है हम तुम्हारे साथ हैं और तुम हमारे साथ हो ले करके चलते हैं नेचर को अपने साथ प्रकृति को अपने साथ और इस फार्म में जो है आपका योगदान जो है बहुत बड़ा है आपके जो व्यूअर्स हैं उनके जो सपोर्ट के वजह से उनके जो सहयोग की वजह से हमने एक कदम बढ़ाया और अपना संपूर्ण योगदान दिया है एक छोटा सा फार्म बनाया है आपके विश्वास को जीतने के लिए कि लोग इससे प्रेरणा लेकर के बड़े बड़े काम करेंगे भविष्य में तो ये फार्म है एक बार अच्छे से घुमा दीजिए कैमरा और लोगों को ये पता चलना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्क अभी हो रहा है गेट बन रहा अभी और इधर देखिए करकट का जो सिस्टम है चालू है बनने के लिए आप एक चौक चौ तरफ से निरीक्षण थोड़ा करा देना ऐसे कैमरा धीरे धीरे मूविंग करके रितु <laughs> तो इस फार्म से कभी हम दूर नहीं हुए लेकिन हम दूर भी हुए तो हमारा जो अंदर का सांस है जो आत्मा है इसके साथ जुड़ा रहा तो नेचर के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है और इसके बचाने के लिए हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए तो ये फार्म करीब एक साल पहले हमने इसका काम शुरू किया था और आज जो है आप लोगों के सहयोग से काफ़ी हद तक हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी लोग ये पूछते थे हमसे बार बार कमेंट करके कि क्या सर आपका फार्म का क्या हुआ कैसे हुआ तो कुछ निजी काम के वजह से हम यहाँ प्रजेंट नहीं रहते हैं और जिसके वजह से फार्म जो है थोड़ा अधूरा रह गया था कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये देखो करकट का लगने वाला है जो भी है काम जारी है दस पाँच दिन में जो भी है गाय यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहीं सेटल हो जाएगा और उनको जो है आरामदायक व्यवस्था मिल जाएगा जो इतने कष्ट में है थोड़े वहाँ पे कुछ अच्छा मैनेजमेंट नहीं था उनके लायक ये फार्म के पीछे आते हैं बाबू एक मिनट थोड़ा ब्रेक करना है तो ये फार्म के पीछे अगर आएंगे तो ये जो आप नेपियर देख सकते हैं नेपियर काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है ख़त्म नहीं हुआ है नया जनरेशन आएगा अभी इसमें पानी पुनी कोई अच्छा मिला नहीं तो इनका विकास हुआ नहीं और ये नेपियर जो है हमने नई जनरेशन भी लगाया है तो उनका भी अच्छे से अब विकास हो रहा है नए ढंग से नई भारत के शुरुआत के लिए नेचर से कनेक्शन बनाना बॉन्ड बनाना अति आवश्यक है क्योंकि हमारी आयु जब हमारे पूर्वज जो हमारे पहले जो हमारा इंसानों का जो पहला पीढ़ी था उनका 200 साल था और जैसे जैसे हम बढ़ें तो हमारी आयु 60 साल पे आकर के रोग से ग्रसित हो जाता है और हम मर जाते हैं और सोचते हैं हमारी लाइफ पूरा हो गया नहीं हमारा आयु आज भी बड़ा है लेकिन हमारा आजकल जो जिंदगी जीने का जो हमारा कला है टेक्निक है उसमें चेंजमेंट किए हैं हमने इनको हर्ट करना शुरू किया है तो ये हमें हर्ट करते हैं इनका साथ हमने छोड़ा है तो हमारा साथ जो हमारा शरीर ही छोड़ रहा है तो कितना जरूरी हो गया है नेचर से कनेक्शन बनाना आप समझ सकते हैं इनके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है इनसे प्यार होना चाहिए न कि इनसे हमें इनके टच में नहीं आते हैं बहुत बड़ा कमियां हैं इंसानों के अंदर जो समय के साथ आर्टिफिशियल जीवन में भाग दौड़ वाली जिंदगी में दिखावटी जिंदगी में ज़्यादा रुचि रखते हैं बल्कि जो हमारा लाइफ बचा सकता है ज़िंदगी बचा सकता है उनका साथ हम छोड़ दे रहे हैं तो ये था वैष्णवी डेयरी फॉर्म प्रगति का कार्य देख सकते हैं धन्यवाद